ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। अभी एक बड़ी खबर नालंदा जिले के चंडी थाने इलाके के गोडापुर से आ रही है, जहां खड़ी ट्रक में एम्बुलेंस के जबरदस्त टक्कर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना के विषय में बताया जाता है कि नगर थाना इलाके के चैनपुरा गांव निवासी वीरू पासवान की पत्नी शोभा देवी रविवार को देर रात छत से गिर गई थी, जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे रिम्स भेज दी गई। एम्बुलेंस चालक मरीज को बिम्स न ले जाकर पटना ले जा रहा था। इसी दौरान चंडी थाने इलाके के गौड़ापुरी गांव के समीप एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से खड़ी ट्रक में टक्कर लग गई, जिससे एम्बुलेंस पर सवार घायल मरीज शोभा देवी, उसके पति वीरू पासवान, सदोमा पासवान और आशा देवी की मौत मौके पर हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस पर सवार बालेश्वर पासवान, सरिता देवी और संसार देवी जख्मी हो गई। घायल लोगों को आरोप है कि एम्बुलेंस चालक हम लोग 90 फुट जा रहे थे, उसी बीच एम्बुलेंस बड़ा तेज रफ्तार में चला रहा था। हमारी भैया के एक पुतौ है यहाँ पर ही, सरिता देवी हाँ ठीक है, नाम छोड़िए, मना किया था कितना तेज मत चलाओ, दो बार तीन बार मना किया, लेकिन फिर भी तेज ही चला रहा था और एक जगह जाकर ट्रक में ही ठोक दिया। कितने की मौत हुई, कितने नशे की हालत में था और गाड़ी तेजी से चला रहा था, जिस कारण ये घटना घटी है। घटना की जानकारी मिलते ही चंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों के इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाई है। घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी की माहौल कायम हो चुका है। जो रात में छत से गिर गई थी उनको इलाज के लिए लाए थे सदर अस्पताल में, जहाँ से उनको पटना रेफर कर दिया गया, उसी पटना ले जाने क्रम में रोहित लाइन होटल के पास खड़ी गाड़ी में धक्का मारने का चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। क्या नाम लिखते हैं अपना? पंकज कुमार सिंह।